हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर 2021। बात करेंगे इस वीडियो पे रेलवे से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन मोनोपोली वाला स्टॉक IRCTC के ऊपर। तो चलिए, आज की डेट पे IRCTC की तरफ से एक बहुत ही शानदार एक खुश खबर आया है आप लोगों के लिए, और उसके साथ साथ IRCTC के अंदर अभी इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। क्या अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा, या जब स्प्लिट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, जब शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा, उस टाइम पर हम एंट्री लेंगे? तो अभी चलिए, यहाँ पे हम एकदम लॉजिक के साथ आपको समझाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है, तो अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ों को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक एंड आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर 2021, मार्केट तो फिलहाल बंद है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज का एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, मोनोपोली वाला स्टॉक है IRCTC के ऊपर, जिसके ऊपर मेरा लगातार आपको कवरेज देता रहा, बहुत पहले से आपको खरीदने का राय दिया था। फिलहाल आज की डेट में एक बहुत ही शानदार न्यूज़ आया है आप लोगों के लिए, और उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इन्वेस्टर्स के दिमाग में अभी बहुत ज़्यादा डाउट है कि सर अभी शेयर प्राइस चल रहा है लगभग 3800 रुपये के आसपास, इसी रेंज में शेयर को खरीदना सही रहेगा, या IRCTC का तो अभी जो स्टॉक स्प्लिट का एक्सडेट आउट हो चुका है, स्टॉक स्प्लिट जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा, मतलब जब शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा, उस टाइम पे हम खरीदें, ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल चल रहा है। चलिए मैं आपको एकदम लॉजिक के साथ समझाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा फर्स्ट टू लास्ट जरूर देखना, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। सबसे पहले चलिए जो न्यूज़ है वो मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ द हिंदू के वेबसाइट के ऊपर। तो देखिए, ये बेसिकली ये न्यूज़ 1 अक्टूबर थोड़ा सा लेट नाइट ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था। IRCTC टू ऑर्गेनाइज साउथ इंडिया टेम्पल टूर फ्रॉम 23 अक्टूबर। बेसिकली हम सभी को मालूम है IRCTC का एक सेकेंडरी बिजनेस है टूर एंड टूरिज्म के ऊपर, तो वहाँ पे IRCTC ने और एक यहाँ पे जगह के अंदर ये जो टूरिस्ट पैकेज यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर के ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसके पहले भी हमने देखा था अलग अलग जो डेस्टिनेशन है, अलग अलग जो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे कंपनी ने ऐसे अच्छा अच्छा प्लान बनाया। अब जो इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि IRCTC के अंदर क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या बाद में, मतलब स्टॉक स्प्लिट होने के हो जाने के बाद, एग्जीक्यूशन के बाद। तो चलिए, ये हम टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर चलेंगे, बट उसके पहले बहुत लोगों को नहीं पता अभी भी कि IRCTC का जो स्टॉक स्प्लिट कब होने जा रहा है, तो उनके लिए शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ वो नोटिस के ऊपर। तो ये है IRCTC का स्टॉक स्प्लिट का जो एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट, उसका ऑफिशियल नोटिस आपके सामने ओपन है। तो बेसिकली कंपनी ने कुछ टाइम पहले ही 1:5 रेशियो पे स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था, मतलब आज की डेट पर अगर बात करें तो कंपनी का जो फेस वैल्यू 10 रुपये है, एग्जीक्यूशन के बाद वही फेस वैल्यू 2 रुपये हो जाएगा, मतलब आज की डेट में जो आपको शेयर मिल रहा है वो 1/5 हो जाएगा। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, मतलब हो सकता है कि जब उस स्टॉक स्प्लिट एग्जीक्यूशन हो रहा हो, उस टाइम पे शेयर प्राइस 4000 के आसपास चल लो, जब उसी रेंज पे स्प्लिट एग्जीक्यूशन होगा, उसका 1/5 हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 800 रुपये के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब ये स्टॉक स्प्लिट का जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने कुछ दिन पहले, एक दिन पहले डिक्लेयर किया था, फ्राइडे 29 अक्टूबर 2021, मतलब इसी महीने के एकदम लास्ट वीक पे। ध्यान से सुनना, अगर 29 अक्टूबर ये स्प्लिट का रिकॉर्डेड हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग 28 अक्टूबर ये ऑलरेडी स्प्लिट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, क्योंकि 28 अक्टूबर ये स्प्लिट का एक्स डेट है। तो आपके पास अभी ह्यूज टाइम है, आप अगर 27 अक्टूबर या तो उसके पहले IRCTC का शेयर खरीदते हो, तो आपको ज़रूर स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा मिलेगा। और ऑलरेडी आपके पास अगर है IRCTC का शेयर, तो उस केस में तो आपको ऑब्वियसली ये स्प्लिट का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बट स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी शेयर, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मोनोपोली क्यों ना हो, आपको स्प्लिट या बोनस शेयर या डिविडेंड को देख के कोई भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी जो इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है दोस्तों, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, कि IRCTC के अंदर अभी इसी करेंट मार्केट प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या स्प्लिट एग्जीक्यूशन होने के बाद में। तो सबसे पहली बात, वो डिपेंड करते हैं आपके बजट के ऊपर। सबसे पहला, आपका अगर बजट ज़्यादा है, आप अगर लगभग 10,000 या 20,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं IRCTC के ऊपर, ध्यान से सुना दोस्तों हर एक पॉइंट को, तो उस केस में मैं आपको बोलूँगा इसी करेंट मार्केट प्राइस, मतलब जब मंडे बाजार ओपन होगा, एकदम करेंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो लेवल्स मैंने आपको बताऊँगा अभी रिसेंटली वीडियो में, वही लेवल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना। दूसरी पॉइंट, अगर आपका बजट कम है, मतलब समझ लीजिए कि आप 3,000 या 4,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
या आप सोच रहे हो कि जब स्प्लिट एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसके बाद हम जब शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा उस टाइम हम खरीदेंगे, तो उस केस में दोस्तों आपको ये चीज़ भी आपके ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके पहले मेरा पास एक्सपीरियंस है या जो लोग यहाँ पे देखा है इसके पहले स्प्लिट या बोनस शेयर जो शेयर एग्जीक्यूशन के दिन बहुत तेज़ी देखने को मिलता है, एग्जीक्यूशन के बाद एक दो दिन वो तेज़ी रहता है, ठीक उसके ठीक तीन चार दिन बाद शेयर में लगातार हमें गिरावट देखने को भी मिलता है। तो हमेशा आपको कोई भी स्टॉक का ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों ही आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि जिस दिन एग्जीक्यूशन होगा उसके एक दो दिन शेयर में बहुत तेज़ी आएगा, IRCTC के अंदर भी आएगा, कोई भी शेयर में होता है, बट उसके बाद क्योंकि शेयर जब डाउन होता है प्राइस भी डाउन हो जाता है तो बहुत लोग वहाँ पे एंट्री लेता है, बट शेयर जब ऐसे तेज़ी के बाद जब उसके बाद लगातार उसके अंदर करेक्शन होता है, आप चाहे डिक्सॉन का देख लीजिए, डिक्सॉन का भी कुछ टाइम पहले स्प्लिट हुआ था, याद होगा आपको डिक्सॉन के अंदर शेयर प्राइस में लगातार हमें गिरावट देखने को मिला था कुछ टाइम पहले, और भी बहुत सारा ऐसे शेयर को यहाँ पे स्प्लिट हुआ था या बोनस शेयर एग्जीक्यूशन हुआ था उसके बाद हमें लगातार उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिला था। तो आपको एकदम जब IRCTC का स्टॉक एग्जीक्यूशन होगा मतलब एक्स डेट है उसी दिन नहीं खरीदना है, ध्यान से सुनना, आपको एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट उसी दिन नहीं खरीदना है, ठीक है। आपको कब खरीदना है, जब एक्स डेट के बाद शेयर में तेज़ी आ जाने के बाद शेयर में जब करेक्शन होगा तो उसी करेक्शन की फेज में आपको शेयर के अंदर एंट्री लेना है अगर आपका बजट कम है तो। दूसरी पॉइंट, अगर आपका बजट ज़्यादा है यानी 10-20 हज़ार या 30 हज़ार आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं IRCTC के अंदर, तो इससे बड़ा ऑप्शन दोस्तों आपके पास नहीं होगा, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा टाइम आपके पास नहीं होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि शेयर लगातार यहाँ पे भाग रहा था, इसका RSI इंडेक्स भी देखिए हाईली ओवरबॉट जोन पे चला गया था 80 के ऊपर, आज की डेट पे देखिए हल्का फुल्का कंसोलिडेट करते करते शेयर प्राइस जो कि 70 के आसपास निकल के आ रहा है, मतलब ओवरबॉट जोन की एकदम बॉर्डर पे खड़ा है। देखिए जब शेयर में तेज़ी आया था लगातार ये तेज़ी हमें देखने को मिला था, और मैं एक चीज़ हमेशा आपको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि शेयर का जो तेज़ी होता है ना तेज़ी को आप मत पकड़ना, जब शेयर करेक्शन होगा या उसके अंदर कंसोलिडेशन फेज, अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए IRCTC के अंदर दोस्तों इसके पहले हल्का फुल्का करेक्शन हमें देखने को मिला जब लास्ट ट्रेडिंग वीक पे मंडे के दिन बाजार गिरा था, शेयर लगभग 3550 तक आ गया था, तो उसी लेवल पे आपको खरीदना चाहिए था, उसके पहले भी मैं आपको बताया था। उसके बाद देखिए शेयर में लगातार हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया लास्ट कुछ दिनों में, तो ये जो कंसोलिडेशन का फेज है जिसका नंबर दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रहा है, जिसके ऊपर बार बार ये जो देखिए लास्ट कुछ दिनों से सपोर्ट मिल रहा है IRCTC की शेयर को, वो नंबर निकल कर रहा है 3750। अगर आपको एंट्री लेना है तो यहाँ पे 3750 रुपये की ऊपर ही एंट्री लीजिए, क्योंकि और एक यहाँ पे आपको लॉजिक देता हूँ, देखिए ये हो गया 6 महीने का कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ये जो रेड कलर वाला लाइन आप देख रहे हो यह 20 डेज का EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमेशा देखिए शेयर जब जब ये इसमें तेजी आता है या करेक्शन होता है ये जो रेड कलर वाला लाइन या ब्लू कलर वाला लाइन उसके ऊपर ही हमें शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और आगे तो दोस्तों इसका स्प्लिट भी होगा, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर और ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसका जो रेड कलर वाला लाइन जिसका नंबर निकल कर देखिए 3500 रुपए के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 3600 रुपए के आसपास, और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो शेयर में काफी इनफ यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है, तो इसी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आपको शेयर के अंदर एंट्री लेना वो काफ़ी बेटर रहेगा। अगर हम बुलिंजर बैंड को भी ऑब्जर्व करें तो भी आप देखिए बुलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है वो भी देखिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी पॉइंट जो मिडिल बैंड है वो भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी शेयर में दोस्तों कभी भी विस्फोट हो सकता है, और इस बार अगर तेज़ी आया शेयर में सीधा सीधा शेयर दोस्तों 4000 के ऊपर चला जाएगा, तो जिस कारण मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको खरीदना है अगर आपका बजट ज़्यादा है तो इससे बढ़िया लेवल आपको मिल नहीं सकता। तो दोस्तों एट द एंड यही बोलूँगा कोई भी इन्वेस्टमेंट के पहले आप खुद भी एक बच्चे से स्टडी करना उसके बाद ही को इन्वेस्ट करना। वीडियो का ये वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।